राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन जल्द ही होने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दूं आपको कि 10,453 पदों के ऊपर राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बहुत ही जल्द आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। अब भर्ती 2021 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके पास में सबसे पहले मान्यता प्राप्त संस्थान से या यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में कोई भी डिग्री होनी आवश्यक है, वो ही कंप्यूटर टीचर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकता है। पहले मांग की गई थी कि जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर या RSCIT कर रखा है उन्हें भी इस भर्ती के अंदर सम्मिलित किया जाए, लेकिन बाद में बहुत से लोगों के विरोध के बारे में उनको शामिल नहीं किया गया। केवल डिग्री वालों को ही अब इस भर्ती के अंदर शामिल किया गया है। और किस तरह की डिग्री होनी चाहिए अभी सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। BCA होनी चाहिए, MCA होनी चाहिए, BBA होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, IT, BTech, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस की शैक्षणिक योग्यता होना बड़ी ही आवश्यक है। वो ही अभ्यर्थी केवल इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में ये सब डिग्रियाँ हैं। कंप्यूटर टीचर भर्ती 2021 के लिए दो तरह की पोस्टें निकली हुई हैं, एक तो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए और एक सेकंड ग्रेड टीचर के लिए और फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। तो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए क्या क्या आवश्यक होनी चाहिए। थर्ड ग्रेड के लिए डिग्री होनी चाहिए BTech, BE, IT और BSc इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA होना आवश्यक है। उसके बाद में सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है, उसके लिए भी ही डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर इन साइंस होना चाहिए, बी इन कंप्यूटर इन साइंस, बी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए बता दूँ, फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती के लिए कोई पोस्ट नहीं है, जीरो पोस्ट अभी निकली हुई है। उसके लिए क्या क्या है, स्नातक कोर होना चाहिए, ME होना चाहिए, MTech होना चाहिए, IT के अंदर भी MTech होना चाहिए और MCA होना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। वही अभ्यर्थी केवल आवेदन कर सकता है जिसके पास में ग्रेजुएशन स्नातक कोर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि कौन सी एज लिमिट के विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम सीमा सामान्य हमारे अभ्यर्थियों के लिए हमें पता नहीं है क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी सप्ताह इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अधिकतम है वो इसकी 40 वर्ष की एज है। इसके बाद में जिस तरह से कैटेगरी वाइज हमें एज रिलेक्शन मिलता है वो हमें मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगी, कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि केवल इंटरव्यू के आधार पर होगी, नहीं बिल्कुल गलत है। 100% लिखित परीक्षा के आधार पर ही ये कंप्यूटर वैकेंसी है 2021 आयोजित की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। अब भी बात कर लेते हैं कि सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस होगा। इसके लिए पेपर दो होंगे, एक तो पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकेंड।